आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है, ठीक है। और इसे आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन लगाइएगा कि आपका जो जीके जीएस की जो तैयारी है वो किस स्तर की हो रही है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 50 क्वेश्चन के सेट हैं, हम फटाफट करेंगे इनको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। तो विच वॉज द ओनली कोर्ट ऑफ अकबर एक्सेप्टेड दीन ए इलाही, तो ये पूछ रहा है दीन ए इलाही कौन सा था। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, बिरबल, तानसेन, मानसिंह या टोडरमल, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, जो दीन ए इलाही जो बीरबल जो थे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये भी पूछ सकता है आपसे कि दीन ए इलाही जो है स्टार्ट किसने करा था, तो अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। इन विच ईयर गांधी जी इस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात। तो इसका ऑप्शन देखिए, 1914, 1910, 1917, 1929। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम जो है 1917 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर है, गुजरात में, ये भी नोट कीजिए। और गांधी जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई। वेन वॉज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड। तो भारतीय जो संविधान है उसमें प्रियम्बल है, प्रियम्बल को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें जो है पूरा निचोड़ लिखा है। तो ये कब पहली बार अमेंड किया गया था, तो ऑप्शन देखिए, 24वें संशोधन में, 44वें, 42वें या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा फर्स्ट जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल से संबंधित है, और ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये प्रियम्बल का अमेंडमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहाँ पर चलाई थी, मेरठ, कानपुर, झांसी या बैरकपुर, ठीक है। तो ऑप्शन आपने देख लिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरकपुर, ठीक है। बैरकपुर में ये पोस्टेड थे, तो वहां पर से इनने जो है वहाँ वो करा था कुछ पिग वाला जो है कारतूस जो थी उसमें पिग का वो लगा रहता था, तो वो उसका ऑब्जेक्शन किया था, तो तब जाके वहाँ पर इनने अंग्रेज जो अफसर था उस पर गोली चलाई थी, ठीक है। तो वहाँ से जो है 1857 की क्रांति का जो है, और 1857 की जो क्रांति है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस का पहला वॉर ऑफ जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बाद से जो है पहला ये वो था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन्स सेपरेट्स नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। तो कौन सी जो रेखा है वो सेपरेट करती है, तो वो है 17वीं, ठीक है। 17th जो है लाइन सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, हु प्रेसिडेंटेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ INC। तो पहला जो प्रेसिडेंट थे INC के, मैं पिछले सेशन में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि INC के रिलेटेड आपको जितने भी हमारे नेशनल पार्टीज हैं ये जरूर आपको पता होनी। तो WC बनर्जी थे, और INC जो है 1885 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, इस्टेब्लिश 1885 में, ठीक है, WC बनर्जी। उसी प्रकार से इनका अन्य जो भी हैं इम्पोर्टेंट जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके कार्यकाल, सूरत स्प्रिंट में कौन था ये पूछते हैं, ठीक है, और जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तब कौन था। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके मेंबर जो प्रेसिडेंट हैं वो याद रखने, ठीक है। गांधी जी कब पहली बार बने, या किसने जो है इसको रिजेक्ट किया था प्रेसिडेंट बनने से, तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, 7th क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड चैत्र भूमि। चैत्र भूमि किसे बोलते हैं, किसके टॉम्ब को बोलते हैं, तो ये उत्तर इसका देखिए क्या हो जाएगा, जो अम्बेडकर हैं, B.R. अम्बेडकर जी, उनका जो है आपका चैत्र भूमि, ठीक है। ये महापुरुष की जो समाधि स्थल है, चैत्र भूमि किसकी है, B.R. अम्बेडकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है, ठीक है। ओपियम वॉर्स वेयर फॉर्ड बिटवीन, तो अफीम युद्ध किसके बीच हुए थे, कौन से दो कंट्रीज थे जिनके बीच अफीम युद्ध हुए हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, ठीक है, और
नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन और जापान और ब्रिटेन और चीन, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8th का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी ब्रिटेन और चीन के बीच जो है क्या हुआ था आपका अफीम का जो युद्ध है, ठीक है। अफीम का युद्ध जो हुआ था ये ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। ओपियम वॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th है, नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर इनमें से जो पहली जो बनी है कौन है, सबको पता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, मीरा कुमारी जो है, ठीक है। ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थी, ठीक है। उसी प्रकार से वुमेन में फर्स्ट और कौन कौन से लेडीज हैं या जेंट्स में कौन है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, क्रीमियन वॉर टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रीमियन वॉर हुआ था, तो क्रीमियन वॉर जो है किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ था वो बताना है आपको, रशिया एंड टर्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये, ठीक है, रशिया एंड टर्की के बीच में हुआ था क्रीमियन वॉर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ओशन इज द आइलैंड ऑफ डियागो ग्रेसिया। तो डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, हिंद महासागर, अटलांटिक, नॉर्थ डीप या पैसिफिक, ठीक है। तो डियागो जो आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका किस में है, हिंद महासागर में है, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, डियागो ग्रेशिया पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर होते हैं नाम आपको याद होने चाहिए, तो हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, हु बिल्ट अ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंडीगढ़ जो सिटी है आज उसका जो वास्तविक जो स्वरूप हम देखते हैं, तो वेरी बिल्ट इसको प्लांट सिटी के नाम से भी जानता है, तो इंडिया की सबसे प्लांट सिटी है चंडीगढ़ है। तो किसने किया था, गोपाल स्वामी, अबर अकबर रुद्दीन तेजाबी, इनमें से कोई नहीं है, नेक चंद, ठीक है। तो जो उसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वें का आपका, नेक चंद जी जो थे उनने डिजाइन किया था चंडीगढ़ में जो है रॉक गार्डन का, ठीक है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको चंडीगढ़ का जो सिटी है वो किसने डिजाइन करी है वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। रॉक गार्डन किसने बनाया था, नेक चंद ने, ठीक है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा रॉक गार्डन, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप वहां जाइएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोकेटेड। तो इंटरनेशनल IMF का लोकेटेड कहाँ है, तो IMF का है वॉशिंगटन DC, ठीक है। तो बहुत वर्ल्ड बैंक का भी यही है, ठीक है। आपको जितने भी नेशनल जो और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना दिवस, उनका जो डे है और उनका जो हेडक्वार्टर है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक GK का पोर्शन कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो पहला मेंबर था कौन था ये बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को और क्या बोलते हैं, ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालीताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सी। पालीताना मंदिर स्थित है तो कौन से जगह पर है, कुछ हिस्टोरिकल इसका इम्पोर्टेंस है इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो भावनगर जो है, भावनगर में जो है पालीताना जो टेम्पल है ये वहाँ लोकेटेड है, भावनगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का, तो कहाँ है, कौन से स्टेट में है ये पूछ रहा है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। 16वें का जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपका तेलंगाना में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान उल्लेखित है। तो इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तीन इमरजेंसी हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जो है ये इमरजेंसी का जो प्रोविजन है आर्टिकल 352, ठीक है, ये होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद 356 होती है स्टेट इमरजेंसी एंड 360 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसमें आपका स्टेट इमरजेंसी इसको बोलते हैं, गवर्नर रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सारा जो है डायरेक्शन सेंटर से मिलता है और जो गवर्नर होता है वो एज ए एक्टिंग जो रूलर रहता है वो बन जाता है, वो सारे जो प्रेसिडेंट है उसके दिशा निर्देश पर काम करता है, ठीक है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज क्लोजेस्ट टू टोरा बोरा। टोरा बोरा से क्लोजेस्ट कौन सा प्लेस है ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
जलालाबाद, ठीक है, जलालाबाद जो है इसका सही उत्तर है। तोरा बोरा अगर नेट में सर्च कीजिएगा इसके बारे में, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, क्यों फेमस है क्या है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हुज इंटरनेशनल बॉर्डर्स मीट थ्री कंट्रीज। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ तीन जो है बॉर्डर बनाता है। तो ये है आपके जितने नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट होते हैं मोस्टली वो आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है ऐसा स्टेट है जो कि थ्री कंट्रीज से बॉर्डर बनाता है। कौन कौन से होंगे, बांग्लादेश, म्यांमार और आपका इधर को, अगर आप मैप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली हो पाएगा, ठीक है। एक तो बांग्लादेश होगी, ठीक है, और आपका म्यांमार और एक भूटान, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार महाद्वीप के जो हाई कोर्ट है वो किस में आती है आपको ये बताना है। तो वो आती है आपकी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, 20th का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, हु रोड द फेमस ड्रामा नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखा है ये पूछ रहा है। तो नील दर्पण आपका जो है ये राइटर्स हैं, बंकिम चंद चटर्जी, दीन बंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती या प्रेमचंद। तो जो नील बंधु है ये आपका लिखा है, आपका 21st का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, दीन बंधु मित्रा जो है उनने लिखा है नील दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, नील दर्पण, ठीक है, ये बुक है, ये राइटर है दीन बंधु मित्रा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने बोला अभी आपको जितने भी हमारे नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष, आपको डेट, उनके डेज भी होते हैं सेलिब्रेट। तो ऑप्शन देखिए, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 22 का हो जाएगा 1959, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, हु वॉज द मुस्लिम रूलर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एंशियंट यूनिवर्सिटी है, पटना में लोकेटेड है। तो इसका जो है किसने, कौन से उसने करा था इसको डिस्ट्रॉय, तो मोहम्मद बिन बख्तियार, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार ऑप्शन नंबर बी जो है, ये जो था मुस्लिम रूलर जिसने कि डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। बनाया किसने था ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, कुमार गुप्त ने, ठीक है, कुमार गुप्त, ठीक है। तो ये आपको ये बहुत कॉमन है, ये सारी बार बार पूछी जाती है, ठीक है। हु लॉन्च द फर्स्ट गोल्ड करेंसी इन इंडिया। तो कौन, किसने लॉन्च की थी, ग्रीक, फ्रैंक, प्रशियन या कुषाण, ठीक है। तो 24वें का जो हो जाएगा ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक्स जो थे उनने जो है फर्स्ट गोल्ड करेंसी इन इंडिया लॉन्च की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 25th का हो जाएगा, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। लार्जेस्ट कोल रिजर्व कौन से स्टेट के पास है, या ऑप्शन देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा कोल माइंस जो है आपका झारखंड में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आपको अन्य जो राज्य हैं जैसे यूपी किस में फर्स्ट है, कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन में या कौन से माइन के उसमें, ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। तो झारखंड जो है कोल रिजर्व्स में सबसे ज्यादा वो है, ठीक है, कोल सबसे ज्यादा कोयला जो होता है, ठीक। नेक्स्ट है, सॉरी मैंने गोल्ड बोल दिया होगा, तो कोल, ठीक है, कोल कोयला के बारे में बोला था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, फ्रॉम विच कंट्री वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड। तो ये कुछ हमारे सिंगल, ये जो अडॉप्शन होता है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भाग हमारा वहाँ से लिया है, कुछ पॉइंट वहाँ से, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, ये भी होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये इंग्लैंड है इसका ऑप्शन सही, ठीक है, डी ऑप्शन जो है, इंग्लैंड से हमने लिए रखा है सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है। और यूएसए है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये भी आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, जो बीसी रॉय अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, अवार्ड से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में जो है दिया जाता है, ठीक है, बीसी रॉय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इज द करेक्ट आंसर, बीसी रॉय इज गिवन इन मेडिकल फील्ड, ठीक है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो सरस्वती सम्मान आपको पता है लिटरेचर में दिया जाता है, तो जो फर्स्ट जो इसके वो है वो बताना है आपको 28 का, तो वो है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन करते हैं, विच इज द मेजर जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो मेजर जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या बिहार।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जिप्सम जो प्रोड्यूस करता है वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, आइस हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो आइस हॉकी कहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है ये पूछ रहा है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा रशिया, स्पेन, फ्रांस या कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा का जो है आइस हॉकी जो है आपका क्या है नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो भारत का विभाजन इंडिया पाकिस्तान में हुआ 1947 में, तो किस प्लान के अंतर्गत था वो था आपका, इसका ऑप्शन देखिए कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंट बेटन प्लान या वेबवेल प्लान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है माउंट बेटन प्लान जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गांधी जी ने, तो इसका उत्तर देखिए चौरी चौरा कांड से, मुसलमानों के अलग हो जाने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या मोपला कांड। ठीक है, तो ये जो गांधी जी का जो चौरी चौराहा वाला इंसिडेंट था, ठीक है, 32 का जो ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, जब वहाँ पुलिस थाने में उन्होंने आग लगा दी थी, तो गांधी जी ने क्या करा था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, 33 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी पूछ लेता है कई बार, तो आपको फॉर्मूला से बता देता है, CaSO4.5H2O। ठीक है, तो इसको ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और हाफ एच टी ओ को क्या हो जाएगा, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये CaSO4.2H2O होता तो जिप्सम। ठीक है, अभी मैंने जिप्सम के बारे में आपको बोला था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये बनता है। ठीक है, जिससे कि सीमेंट और जो भी चीज़ें हैं अन्य उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों के फॉर्मूले भी बता दिए मैंने आपको और उसका केमिकल नेम भी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्सिप हॉल बिल्ट बाय अकबर। तो वर्सिप हॉल जो था अकबर के द्वारा जो बिल्ड किया गया था उसका नाम पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 34th का हो जाएगा इबादत खाना। ठीक है, तो इबादत खाना किससे रिलेटेड है ये भी पूछ लेता है कई बार, तो इबादत खाना जो है आपका अकबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 35 क्वेश्चन, तो पुर्तगाल, टर्की, नॉर्वे, स्पेन। तो ठीक है, 35वें का उत्तर हो जाएगा आपका टर्की। ठीक है, टर्की, तुर्की जो है उसको बोला जाता है पेशेंट ऑफ यूरोप। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में आप गूगल करके पता कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 36, ऑन विच रिवर वॉज द नारायण ब्रिज बिल्ट। तो नारायणा ब्रिज किस पर बिल्ट हुआ है, कौन सी नदी पर, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, और ये ऐसे ही पूछ सकता है नारायण ब्रह्मपुत्र रिवर पर कौन सा ब्रिज बिल्ट हुआ है, तो नर नारायण सेतु। ठीक है, नर नारायण सेतु। ठीक है, नेक्स्ट है आप दोनों लैंग्वेजेस में देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको कंफर्ट हो रहा है, ठीक है, समझने में सवाल को। ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर जो है मैच करिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, हमने अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, आपको ये पूरे बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट है आर्टिकल्स, DPSPs। ठीक है, और पार्लियामेंट, ठीक है, और जो बेसिक जो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे जो है ये आर्टिकल्स किससे हैं क्या है डायरेक्टली पूछ लेता है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर, ये तो सभी को पता है, APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे एक्स जो वो थे प्रेसिडेंट, तो उनकी उनके और भी बुक्स हैं वो भी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो सांडों की लड़ाई जो है ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना। ठीक है, तो सांडों की लड़ाई जो है आपका स्पेन में जो है, ठीक है, ये बुल फाइट जो कहते हैं, तो ये स्पेन में की जो है वो है, ठीक है, राष्ट्रीय स्पोर्ट। ठीक है, और कनाडा, मैंने आपको बोला कनाडा का आइस हॉकी है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया का क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपाल आचार्य, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है स्वामी किसने करी थी ये, और ये दोनों इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन रॉय ने करी थी, और
दयानंद सरस्वती, इसका जो उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। लेकिन जो दयानंद सरस्वती, उनने आर्य समाज की करी थी, ठीक है, आर्य समाज, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। तो सुनामी मैंने अभी भूकंप वाला भी बताया था आपको एक सेट में, तो वो भी उत्तराखंड था उसका उत्तर। तो यहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर उत्तरा ये इंडिया में कहाँ पर है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन बी जो है वहां पर सुनामी सेंटर वार्निंग वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो मधुबनी जो पेंटिंग्स हैं आपने सुना होगा नाम, तो ये किस स्टेट की है, ये है आपकी बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और नाम भी याद रखेंगे मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है विच मुगल एम्परर, तो किस कुछ फेमस होते हैं जिनके निक नेम आपको याद होने चाहिए, तो औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो बाई विच अमेंडमेंट आर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट था, अभी मैंने बोला आपको प्रियम्बल वाला अमेंडमेंट 42 था, तो कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा हमने जो है इसमें फंडामेंटल, एक तो होता है राइट, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये 42वां जो संशोधन था इसी के तहत जो है ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसके तहत 42वें संशोधन के तहत ही फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया। 46 क्वेश्चन, विथ हुज परमिशन डिड द ब्रिटिश स्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो मैंने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा था, तो पहला कौन सा था, विलियम हॉकिंस आया था, वो मिला था जहांगीर से, कितने 1608 में मिला था, ठीक है। तो ये डेट से करो आपको सब याद रखनी है, ठीक है। तो ये है जहांगीर, ठीक है, इसका उत्तर सभी को आता होगा आई होप, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर। तो कौन सा अमेंडमेंट है जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को लिमिट करता है, तो 91st जो अमेंडमेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की जो आपकी कितने कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कौन सी लेजिस्लेटिव में कितने होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट 91, ठीक है। नेक्स्ट है विच मुस्लिम रूलर मेड गॉडेसेस लक्ष्मी फिगर ऑन सिक्को। तो किस मुस्लिम शासक ने सिक्को पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी, तो किसने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद गौरी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 तो वाले का हो जाएगा आपका, 48 वाले का हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने क्या करा था, लक्ष्मी की जो फिगर जो चित्र है सिक्कों पर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है 49, विच इज द लार्जेस्ट पीनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन कौन से स्टेट में होता है ये पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, गुजरात जो है लार्जेस्ट पीनट प्रोड्यूसिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, अंकलेश्वर इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच इन इंडिया। तो अंकलेश्वर जो जगह है, स्थान है, किसके प्रोडक्शन के लिए है, तो ये है आपका पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा अंकलेश्वर, ठीक है, याद रखेंगे। तो आज का ये सेट यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आपने बहुत कुछ लर्न और गेन किया होगा यहाँ पर से, और अपना सेल्फ इवेल्यूएशन आपको पता लग गया होगा, आप कितने, आपको कितनी मेहनत करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम आपका नज़दीक है, तो होप सो ऑल यू आर प्रिपेयरिंग वेल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।